हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आज अभी शाम के ठीक 5:30 बजे हैं और आज के ब्लॉग बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि सुबह और दोपहर को बिजी थी, इसीलिए शाम को मैं बना रही हूँ अभी। तो आप सब कैसे हैं? और मैं आज आपसे शाम इवनिंग के टाइम जो काम करूँगी वही शेयर करूँगी। अभी तो चाय बनाना है और भी बहुत कुछ काम है, तो आपके साथ थोड़ी सी गपशप होगी और यूं ही हम लोग एक साथ बात करते करते मेरी भी टाइम कट जाएगी और काम होती रहेगी और आपसे भी बातें होती रहेंगी। तो चलो देखते हैं आज का क्या क्या प्लान है। तो जो फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो फ्रेंड, आज का शाम एक साथ बिताते हैं, लेट्स गो। हाँ, मैं अभी आ गई हूँ किचन में। अभी किचन में मैं चाय बनाऊंगी, कॉफ़ी बनाऊंगी, और भी ढेर सारे काम है वो करना है मुझे। पहले तो मैं चाय पीऊँगी क्योंकि आज मैंने लंच किया नहीं, काम के वजह से लंच हो नहीं पाया आज, तो इसीलिए मुझे बहुत भूख लगी है। तो शाम हो गई है इसीलिए चाय तो पीना ही पड़ेगा, वो तो हैबिट है, तो इसीलिए चाय मैं पीऊँगी पहले, और उसके बाद थोड़ी सी टिफ़िन करूँगी। तो किचन में आके काम निकलता ही है, मतलब ये वो काम, इतना सारा काम वो निकल जाता है। अभी थोड़ी सी चाय पीने के टाइम मैं थोड़ी सी गाना सुनूंगी क्योंकि गाना सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये टाइम जो है ना इवनिंग का, ये बहुत सुकून देने वाला टाइम है क्योंकि सुबह का भी प्रेशर चला गया और शाम रिलैक्सेशन का टाइम है और रात में तो उतना प्रेशर काम नहीं होता है। तो ये जो टाइम है ना इवनिंग का, ये मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। चाय पीने के टाइम थोड़ी सी बैठती हूँ, फ्रेश एयर लेती हूँ बाहर का, फिर गाना सुनती हूँ। मेरा फेवरेट सिंगर्स जो है उनका गाना सुनती हूँ। मेरा फेवरेट है अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, इन सब का गाना मैं बहुत पसंद करती हूँ और मुझे मेरा माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। तो इनका गाना सुन के जब चाय पीती हूँ तो पूरे दिन का थकान दूर हो जाता है। ये टाइम बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो मैं कॉफ़ी बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड तो कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, तो उनको दूंगी और फिर मुझे चाय बनानी है, वो चाय मैं पीऊंगी। और बाकी सारा काम तो होता ही रहता है। और आज 1 घंटे के लिए मैंने बाहर भी गए थे तो इसीलिए थोड़ी सी लेट भी हो गई हूँ, मगर व्लॉग बनाना तो है मुझे क्योंकि आपके साथ मेरा कमिटमेंट है। मैं रोज़ आऊँगी आपको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलने के लिए। तो ये दिन का तो हुआ नहीं है क्योंकि लेट हो जाती हूँ रोज़ ही, तो इसीलिए गुड इवनिंग तो ज़रूर बोलूँगी। और ये जो टाइम है ना, ये ही है दोस्तों के साथ अच्छे टाइम स्पेंड करने का एक बढ़िया सा समय, जो टाइम में आपको बहुत आराम मिलता है। तो आपको मैं उनको कॉफ़ी देने गई हूँ। कॉफ़ी देने के बाद मेरी चाय की अभी टाइम है तो अभी चाय पीऊँगी। तो इवनिंग का जो टाइम होता है ना, ये अभी क्या होता है कि कोई आता नहीं है घर में। पहले जब कोविड नहीं था तब घर में बहुत सारे दोस्त आते थे, इवनिंग के टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाता था। बस
और काम भी रहता था, मगर अभी तो घर में ज़्यादातर स्पेंड करते हैं घर में, तो इसीलिए इतना कोई किसी का घर में आता जाता नहीं है। और इवनिंग में मैं नीचे भी जाती थी, बहुत सारा बड़ा स्पेस है, ग्राउंड है, गार्डन है उधर वॉक करने के लिए, मगर अभी तो उतना होता नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है। बाहर जाने के बाद, घर में आने के बाद नहाना पड़ता है, तो ये पॉसिबल नहीं होता हर वक्त ये सब करना, तो इसीलिए अभी घर में ही तो ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और बाकी तो काम होता ही रहेगा, मेरा तो चाय पीना ख़त्म हो गया, अभी मैं थोड़ी सी टिफ़िन करूँगी। कल मैंने जो ये बनाया था, मिठाई बनाई थी, वही मैं आज खाने वाली हूँ, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि चावल और नारियल से बनता है, तो बहुत सॉफ्टली इसको उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये एकदम टूट जाता है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगता, चावल, गुड़, नारियल और दूध, बस इससे ही बनता है, तो बहुत टेस्टी भी होता है। ये ज़्यादातर विंटर सीजन में ही हम लोग इसको बनाते हैं, मैंने इसको मेरी मम्मी से सीखी थी, पहले तो मैं बना नहीं पाती थी क्योंकि इतना सॉफ्ट बनता है ना ये चीज़ अच्छा राइस से, तो ये टूट जाता था मेरे, मुझे तो बनाना ही नहीं आता था, मगर अभी मैं पूरी तरह से मैं सीख गई हूँ, तो और टेस्टी भी बनता है क्योंकि दूध का खीर से बनता है पूरा ही, तो इसीलिए ये मेरे घर में बहुत मतलब पसंद करने वाला डिश है, सब लोग इसको पसंद करते हैं, मगर पूरा साल तो हम लोग नहीं खाते इसको, सिर्फ विंटर सीजन में, क्योंकि इसका जो चावल राइस है ना वो बहुत ही सेंटेड राइस है, और गुड़ जो है वो भी सिर्फ विंटर सीजन में मिलता है। ये बाज़ार से कोई भी ऐसा नहीं कि पूरा साल भर ये गुड़ मिलेगा, नहीं, सिर्फ विंटर में ही मिलता है, तो ये गुड़ और राइस का ही एक्चुअली कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया है कॉम्बिनेशन जो रेसिपी है। तो अभी तो मेरा एक रिलैक्सेशन का टाइम आ गया है, मैं तो अभी खाने वाली हूँ, बहुत बढ़िया बना है आज। इससे तो मेरा पेट भी भरेगा और दिल भी खुश हो जाएगा। और इसके बाद मैं थोड़ी सी म्यूज़िक सुनूंगी और मेरी डांस थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगी, बस आज तो मूड बन जाएगा। उधर बाहर तो हस्बैंड अपना ऑफिस कर रहे हैं और मैं इधर खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी है, आज दोपहर को खाना नहीं खाया था इसीलिए। तो ये बहुत ही एक एंजॉय करने वाला एक टाइम है मेरे लिए, क्योंकि खाना है, अच्छे से खाऊंगी, और मिठाई मुझे बहुत पसंद है इसीलिए उसको मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। ज़्यादातर मुझे ये नमकीन चीज़ उतना पसंद नहीं है, मिठाई जितना है, मगर मिठाई उतना खाना अच्छी बात नहीं है, मगर ये साल में एक या दो बार ही बनता है इसीलिए इसको खाना खाते हैं, नहीं तो मिठाई उतना खाते नहीं है, फिर भी और क्या, ये तो अभी तो सीज़न चला जाएगा विंटर सीज़न, इसके बाद समर आएगा, इसमें तो हम लोग नहीं खाएंगे, ये बनाएंगे भी नहीं क्योंकि गुड़ नहीं मिलता। अभी इसके बाद तो मुझे बहुत सारा काम है क्योंकि अपना भी काम है, थोड़ा बैठूंगी, फिर बेटे को पढ़ाऊंगी, उसका एग्ज़ाम है, ये सब काम तो लगा ही रहता है क्योंकि एवरीडे का सेम ही काम है, सेम ही रूटीन है। फिर कल थोड़ी सी चेंजेस होगी क्योंकि कल एक पूजा है, सरस्वती पूजा, उसके लिए थोड़ी सी अलग प्लान है, और मैंने सोचा कि आज ये टाइम जब रिलैक्स करूँगी, थोड़ी बैठूँगी, खाना खाऊँगी, आपके साथ थोड़ी सी टाइम स्पेंड कर लूँ, तो अच्छा लगता है क्योंकि ये टाइम बहुत ही रिलैक्स करने वाला टाइम होता है, तो यही टाइम है जो फ्रेंड्स के साथ हम लोग मस्ती करने में ज़्यादा पसंद करते हैं मस्ती करना, तो इवनिंग का टाइम ही सबसे अच्छा टाइम होता है, जब आप किसी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहते हो या
बातें करना चाहते हो तो ये टाइम बहुत बढ़िया होता है। और उसके साथ अगर आपके फेवरेट डिश हो, आप खाना खा रहे हो, तो और भी बात तो कुछ और ही बन जाता है। यही होता है। हाँ, अभी तो खाना खाऊंगी, फिर शायद मैं मुझे डिनर में थोड़ी सी और कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर भूख तो अभी तो मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है, इसीलिए डिनर पे थोड़ी बहुत कुछ खा लूँगी, हो जाएगा। फिर उनके लिए थोड़ी सी हस्बैंड थोड़ा फ्रूट्स खाएंगे, उनको देना है। फिर बेटे का देखती हूँ वो क्या करता है। अभी शाम तो ऐसे गुजर गया है, अभी दिन भी बहुत बिजी चला गया आज का दिन। सुबह पहले उठी, एक्सरसाइज किया, फिर दोपहर का खाना, फिर मेरा कुछ काम, फिर यही करते करते फिर बाहर 1 घंटे के लिए गई और शाम हो गया। बस शाम आपके साथ गुजारना था तो गुजार लिया। आज थोड़ी सी लेट हो गई ब्लॉग देने में, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी थोड़ा सा स्लो हो गया था आज, इसीलिए थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। और क्या, ये सब तो चलता ही रहता है रोज़ का कुछ ना कुछ। फिर भी हम लोग इसके अंदर ही मेरा खाना फिनिश हो गया ऑलमोस्ट, इसके अंदर ही हमें अच्छे से खुशी से रहना है और एंजॉय करना है एक दूसरे के साथ। फ्रेंड्स, आज की व्लॉग आपको कैसी लगी बताओ। मैंने आज आपके साथ इवनिंग शेयर किया, चाय पिया, फिर टिफ़िन भी किया, और तो बहुत सारे काम बाकी है, वो तो चलता ही रहता है। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, इसी टाइम शायद मिलेंगे कल, तब तक के लिए टाटा।